नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। राजस्थान में मई का महीना अपना विकराल रूप दिखा रहा है। गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर जिले में दर्ज किया गया, जहाँ पर सबसे अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। प्रदेश में मौसम जैसे मई महीने में सूरज आग उगल रहा हो। हीट वेव लू से आमजन बेहाल है, मौसम शुष्क बना हुआ है। देश में सबसे अधिक तापमान राजस्थान के बाड़मेर और उत्तर प्रदेश के कानपुर का 46.9 डिग्री दर्ज हुआ। करौली, फतेहपुर, जालौर, गंगानगर, जैसलमेर, फलोदी, पिलानी अधिकतम तापमान 46 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं भरतपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, अंता, बारा, संगरिया का अधिकतम तापमान 45 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया। भरतपुर जिले के तापमान में सबसे अधिक 1.5 डिग्री की वृद्धि हुई। प्रदेश के अधिकांश जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री से 46.9 डिग्री के बीच रहा। गुलाबी नगरी जयपुर का तापमान 44.4 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में तेज गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। दोपहर के समय लोगों का बुरा हाल हो रहा है। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में भयंकर लू से परेशान है। लोगों के साथ पशु पक्षी भी काफी परेशान हो रहे हैं। डूंगरपुर जिले की कुआ थाना पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ 84 से बीएपी विधायक राजकुमार रोत थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। विधायक राजकुमार रोत ने कुआ थाना पुलिस पर अपराधियों के साथ मिलकर अपराधियों की जगह आमजन में भय पैदा करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिलने तक उन्होंने धरने पर बैठे रहने की चेतावनी दी है। विधायक राजकुमार रोत ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मतदान के पूर्व रात्रि 25 अप्रैल को हुकुम चंद नाम के व्यक्ति के साथ पूर्व प्रधान महेंद्रजीत बरजोड़ और उसके सरपंच पुत्र अरुण ने मारपीट की और कार को नुकसान पहुंचाया था। किसी तरह हुकुम चंद जान बचाकर वहां से भाग गया। वहीं पीछे से कुआ पुलिस थाने के कांस्टेबल की मौजूदगी में उसके कार में अवैध शराब भर दी और बाद में शराब तस्करी का झूठा केस दर्ज करवा दिया। पूर्व प्रधान और उसके पुत्र द्वारा उसके पक्ष में मतदान नहीं करने पर जान से मारने की धमकी पीड़िता को दी गई थी। इस संबंध में पीड़ित की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई थी। वहीं एसपी को भी परिवाद दिया गया था, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार कई बार थाने के चक्कर काटे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इस मौके पर विधायक राजकुमार ने कुआ थाना पुलिस पर अपराधियों के साथ मिलकर काम करने के आरोप लगाए। विधायक ने कहा कि जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वे थाने के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। राजस्थान में दोनों चरणों में 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लोगों को 4 जून का इंतजार है, जब प्रदेश की सभी सीटों का रिजल्ट सामने होगा। लेकिन इन दिनों फलोदी सट्टा बाजार के ताजा दामों ने सूबे की सियासी को गर्मा दिया है। जाने क्या है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के ताजा भाव। बता दें उदयपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के मन्ना लाल रावत और कांग्रेस के तारा चंद मीणा चुनावी मैदान में आमने सामने है। यह सीट राजस्थान में बहुत अहम मानी जा रही है। ऐसे में देखना यह है कि किस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ बाजी मारता है। फिलहाल फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों के जो रेट लगाए हैं, उन्हें देखकर लोग आश्चर्य हो रहे हैं। बता दें कि सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी के मन्ना लाल रावत का ताजा भाव 60 से 70 पैसे चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस के ताराचंद मीणा का रेट 1.75 रुपए चल रहा है। आपको बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार में जिस प्रत्याशी का रेट कम होता है, उसके जीतने के आसार उतने ज्यादा होते हैं। बहरहाल सट्टा बाजार चाहे जो भी कहे, लेकिन इस सीट की पूरी तस्वीर तो 4 जून को साफ हो पाएगी। आपसी रंजिश में एक परिवार से बदला लेने के लिए सिर पर युवक ने दफनाए शव को खोदकर बाहर निकाला और अपने रसोई में लाकर जला दिया। शख्स 15 किलोमीटर दूर से बाइक पर लादकर शव को लाया। घर के लोग उस वक्त जागरण में गए थे। युवक को भागते हुए पड़ोसी में रहने वाले मकान मालिक के छोटे भाई ने देख लिया। उसने अंदर जाकर देखा तो शव के साथ रसोई का सामान जल रहा था। मामला जैसलमेर के पोखरण के बणियाणा थाना क्षेत्र का 17 मई सुबह 5 बजे का है। पुलिस ने आरोपी को 18 मई की शाम को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में रंजिश को लेकर पूछताछ की जा रही है। ग्रामीण से मिली जानकारी के अनुसार सरदार सिंह की ढाणी के रहने वाले रेवता राम पुत्र सोनाराम मेघवाल का 40 दिन पहले निधन हो गया था, जिसका बणियाणा में शव दफन किया गया था। आरोपी ने शव निकालकर हेम सिंह के परिवार को फंसाने के लिए उसके घर ले जाकर जला दिया। ग्रामीणों के अनुसार यह मेघवाल समाज में शव को दफनाने की परंपरा है। वहीं आरोपी 15 किलोमीटर दूर बाइक पर शव लेकर आया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मण राम ने शुक्रवार रात को बणियाणा के शमशान से खोदकर शव को निकाला था। इसके बाद रात के अंधेरे में बाइक पर ही बॉडी को रखकर 15 किलोमीटर दूर हेम सिंह के घर पहुंचा। 17 मई रात को घर में शव को लेकर घुसा। वहां रसोई में शव को रखकर तेल छिड़ककर आग लगा दी। सुबह 5 बजे घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी 17 मई को अंधेरे का फायदा उठाकर हेम सिंह के घर में घुसा और शव लाकर रसोई में जला दिया। घटना के समय हेम सिंह का परिवार घर में नहीं था। पत्नी जागरण में पियर गई हुई थी। वहीं बेटी पड़ोसी में रहने वाले हेम सिंह के भाई धन सिंह के यहाँ थी। धन सिंह ने ही आरोपी को घर के बाहर से बाइक पर भागते देखा। शक होने पर घर के अंदर जाकर देखा तो गैस की टंकी चूल्हे के पास शव है रसोई में पड़ा जल रहा था। इसके साथ ही रसोई में रखे सामान में भी आग लगी थी। इसके बाद भाई ने मामला दर्ज करवाया। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानते हैं राजस्थान की मंडी के ताजा भाव क्या है। राजस्थान की मंडियों में आज जीरा, सोयाबीन, गेहूं, सौंफ, चना,
मेथी, कपास, मूंग, सरसों आदि फसलों के दामों में कोई बदलाव नहीं आया है। राजस्थान में मंडी के भाव शुक्रवार 17 मई 2024 के ही आज 20 मई 2024 के दिन भी मंडी के भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचे।